नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में धूम मचा दी है अपने लेटेस्ट S1 Pro के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस बाइक के की हेडलाइट्स फीचर्स और प्राइस को इन डिटेल जानने वाले हैं। ओला S1 Pro एक फुल्ली इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपको एडवांस्ड फीचर्स और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसमें आपको मिलता है फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो कि आपको पहली नजर में अट्रैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर हमें टोटल 5 कलर्स ऑफर किए गए हैं जो कि सारे काफी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कुछ की हाइलाइट्स की। जैसे कि इस स्कूटर की राइडिंग रेंज हमें देखने को मिलती है 195 किलोमीटर पर चार्ज, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है इस सेगमेंट में। इसकी टॉप स्पीड हमें 120 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है, जो कि सिटी के लिए और भी ज़्यादा काफ़ी है। स्कूटर के वेट की अगर हम बात करेंगे तो 116 किलोग्राम्स जो है इसका वेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है हैंडलिंग के लिए और लेडीज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी फुल चार्ज होने में लगता है ऑलमोस्ट 6.5 घंटे, यानी कि 6.5 घंटे, जो कि ओवरनाइट चार्ज के लिए काफ़ी परफेक्ट है। इसका रेटेड पावर है 5500 वैट, जो कि क्विक एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस राइड के लिए काफ़ी है। हाँ, सीट हाइट की बात करेंगे तो स्कूटर की सीट हाइट हमें देखने को मिलती है 805 mm की, जो कि कंफर्टेबल राइड जो है इंश्योर करता है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी आपका जो है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओला S1 Pro का डिजाइन मॉडर्न और एरोडायनामिक है, जो कि नॉट ओनली स्टाइलिश दिखाई देता है बट फंक्शनल भी है। इसमें LED लाइटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलेगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर जैसे वॉइस कंट्रोल कमांड्स, GPS ट्रैकिंग, रिमोट लॉक अनलॉक शामिल है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस की। ओला S1 Pro की जो है प्राइस हमें देखने को मिल जाती है 1,32,478 शोरूम प्राइस, जो कि इस सेगमेंट में कॉम्पिटेटिव है और वैल्यू फॉर मनी है कंसिडरिंग इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं बाइक के लुक्स एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट साइड से जो है काफी प्यारी गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपके सामने से ये बाइक चली जाती है तो मुड़ के लोग यहाँ पे हमें देखते हुए इसको दिखाई देते हैं। फ्रंट साइड इसका जो है काफी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल जाता है, बढ़िया से LED हेडलैम्प इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे के साइड में टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही एडवांस फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ऑटोमेटिक इंडिकेटर जो है इसके ऑन होते हुए दिखाई देते हैं। सारी चीजें जो है आपको इसके टचस्क्रीन डिस्प्ले पे आपको पता चल जाते हैं। ओवरऑल अगर हम इसके फ्रंट टायर एंड रियर टायर की बात करेंगे तो हमें दोनों के दोनों ही तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं, जो कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। गाड़ी का लुक्स एंड डिज़ाइन तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। पर्सनली तो मैंने कभी बाइक को चलाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखे उस पे जो है प्रोज एंड कॉन्स में मैंने देखा कि यहाँ पे इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ में अगर आप लगेज भी कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके फुटरेस्ट पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसका डिज़ाइन उस तरीके से नहीं बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं इसके डिक्की की, तो यहाँ पे जो है आपको दो हेलमेट आराम से आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी काफ़ी डिक्की बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन यूज़र रिव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी डिक्की काफ़ी इजीली ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा कीमती सामान जो है आप इसके साथ कैरी नहीं कर सकते। बात करते हैं अगर इसके रियर प्रोफाइल की, तो बढ़िया सी टेल लैंप विद इंडिकेटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चार्जिंग करने का भी ऑप्शन जो है यहीं पे पीछे के साइड में सॉकेट दिया हुआ है, जस्ट उसके ऊपर जो है हमें इसके ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। वेटिंग की भी बात करेंगे तो गाड़ी को थोड़ा सा बहुत वेटिंग हमें देखने को मिल जाता है, डिलीवरी में अभी भी इशू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये रही ओला S1 Pro की जानकारी। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में भी पूरी डिटेल वाली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जरूर वॉच करिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोज के अपडेट जो है आप तक पहुंचते रहे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।